क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट कठिन दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको बस गुणा करने आ गया कि बनाने आ गया, आइए अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमें सवाल कह रहा है, दिखाना है क्या मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास दो वाई, यानी कि आप जानते हैं कि ए इंटू ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा ए स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, हम दो बार लिखेंगे ए इंटू ए, यानी कि 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर इसी को लिखेंगे हम 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। देखिए ये इसमें मिल गया, लेकिन इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां से बस वही आपको गुणा करने में सिखाया था, 2 2 1 गुणे कितना सा होगा इस दो से, 2 2 2। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 0 1 -1 इसमें कितना से करेंगे हम, अभी तो वहां से ये हो गया। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे 1 3 0, इसमें कितना से करेंगे, हाँ ये कहाँ से, कौन दिक्कत ना। एक रावा देखिए, ए फिर लिखो 2 2 1, एक रावा कितना से होए, हाँ 0 से 0 0 0 प्लस प्लस प्लस, अब फिर लिखो 0 1 -1, एक रावा में कितना से होए भाई, एक रावा से 1 1 1, फिर प्लस का चिन्ह देता, अब फिर क्या लिखा 1 3 0 1 3 0, फिर एक रन में गुणा करो आ कितना से -1 से -1 -1 होए। एक रन बाद फिर एक और सिस्टम, फिर एक रन में 2 2 1 में अब कितना से पहले ही भाई 1 से 1 1 1 प्लस प्लस प्लस, फिर 0 1 -1 में कितना से पहले जाए 3 से 3 3 3 प्लस प्लस प्लस, फिर क्या में 1 3 0 में कितना से पहले 0 0 0। इतना गुना करिए, अभी कर लोगे, अब गुना करे आइए कोई तो बना हम आ जाए, देखो देखे देखे जब दो दुनी के 4 आ दो गुना कर आए 4 आ प्लस 2 0 0 आ 1 1 1 दुदुनी के 4 2 1 और 3 1 2 1 2 1 माइनस 2 आ 0 कौन दिक्कत ऐसा ही करना चलिए। हो 2 में 0 से गुणा करबो 0 आ 1 1 से 0 करबो तो का 0 आ 1 1 माइनस 1, 2 में 0 से करबो 0 1 1 1 आ 3 1 माइनस 3, 1 में 0 से गुणा करबो 0 1 1 माइनस 1 एक में जीरो से गुणा करो का है जीरो दिक्कत तो का ना नो अब एक काम देख ला 2 1 दो आ 3 में जीरो से गुणा करो जीरो हाई को का नहीं है जीरो 2 1 दो आ 3 1 3 आ 3 में जीरो से करो का है जीरो 1 1 1 आ 3 1 माइनस 3 आ जीरो कौन दिक्कत। एक बात चलिए हो थोड़ा सा, अब एकरा के एक जगह सजा दिया जाए, हमने के एक जगह लिख दिया जाए तो कैसे लिखा ला, ध्यान समझ लियो 4 गो 1 गो 5 गो और 4 गो 2 गो 6 गो 3 गो 9 गो और 2 में से 2 चाहिए एक और चाहिए तो का बचेंगे 0 1 माइनस 1 और माइनस 3 में से 1 घटी माइनस 2 और माइनस 1 2 0 0 0 2 3 2 5 और 3 में से 1 घटी माइनस 2 इका हो गई ए स्क्वायर के मान आ गए। और जब ए स्क्वायर के मान आइए गई तो देखो आप कैसे बनी, ध्यान से समझ लो ए स्क्वायर का मान आ गई। अब ए स्क्वायर का मान आइए हुई तो ये लिख ले एक साइड में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गई, आओ ध्यान से समझो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास मिल गई कितना 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 आ के मान ले नहीं बाकी बराबर कितना हो जाए 2 2 1 0
1 3 0 आ 3 बाई 3 क्रम के आई के मान बतैले रही था लगा लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक अथी के मान वाला आई के मान वाला साहब हमने के मान भेल तो प्रश्न से प्रश्न में का दे लेवा हमने के a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आई दिहल बा तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर के मान पुट कइला कितना बा 5 9 0 -1 -2 -1 आ 2 5 -2 -5 आ ए के मान कितना मिले 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 आ प्लस 6 आई के मान कितना बा 1 0 0 0 1 0 आ 0 0 1 देखो 5 से ए जो पहले 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 से गुणा कर 5 × 10 5 × 10 आ 5 = 5 0 5 = 5 5 = -5 5 = 5 आ पंक्ति आई 15 5 = 15 का 0 भाई 6 से कराओ 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो गई। अब ध्यान समझो, अब देखो भाई प्लस इक्वल तो 11 प्लस 11 11 के से जोड़ो तो 5 इक्वल 6 11 को माइनस के को 0 को माइनस के को 2 को 0 को 2 को 9 को 0 को 9 को माइनस 2 को 6 को 4 को 5 को 0 5 को 0 को 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और माइनस 2 6 4 कौन दिक्कत माइनस फिर भाई बची हुई 10 10 5 ऐसे निकल रहा है सर 0 5 माइनस 5 5 15 0 अब देखिए इसका आंसर 10 में से 11 कटेगा 1 10 में से 9 कटेगा माइनस 1 5 में 0 कटेगा माइनस 5 माइनस 1 में 0 कटेगा माइनस 1 4 में से 5 कटेगा माइनस 1 और माइनस 1 में से माइनस 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 प्लस कितना बचेगा 4 2 में से 5 कटेगा माइनस 3 15 में से 5 कटेगा माइनस 10 4 में 0 कटेगा 4 यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा तब आपका आंसर होगा तब आपको बनाने आएगा। तो विशेष भारी नहीं है, आज जितना भी सवाल है 16-17 नंबर सब ऐसे ही बनेगा।